कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए मैं आज आप लोगों से बात करूंगा मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव और समारोह के बारे में। और ये लाइन जो है, अनुपम है भारत की माटी, उस धरा पर मध्य प्रदेश है। आइए अपन उस मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव एवं समारोह के बारे में आप लोगों से ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे समारोह में डाउट होता है कि कौन सा समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, और कभी-कभी पुस्तकों के माध्यम से आपको गलत जानकारी भी प्रस्तुत की जाती है। उन सभी जानकारियों का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मध्य प्रदेश समारोह की। किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश समारोह की। और यह समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसमें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं, गायन, नृत्य और वादन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक सप्ताह तक ये समारोह चलता है। और मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होगा? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होगा। इंपॉर्टेंट बात है। आइए अगली बात करते हैं, कालिदास समारोह। कालिदास समारोह उज्जैन में होगा। ध्यान रखिएगा, कालिदास एकेडमी द्वारा आयोजित किया जाता है। कालिदास समारोह 1957 में स्टार्ट हुआ था, और आप लोगों को पता है कि कालिदास जी की स्मृति में, कालिदास जी के अस्तित्व के लिए, कालिदास जी के अस्तित्व को मैं गलत कह रहा हूँ, कालिदास जी की छटा को, हम संस्कृति को, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। आइए अगली बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण, देखिए बात यह है कि कालिदास की स्मृति को अमर बनाने के लिए कालिदास अकादमी द्वारा उज्जैन में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है, और ये एक सप्ताह तक चलता है। अगली बात, अगला महत्वपूर्ण है, खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह आपको बहुत सारी जगह 1976 मिल सकता है, पर अभी मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट में देख रहा था, और गवर्नमेंट कला संस्कृति की वेबसाइट पे आप जाइएगा, देखिएगा, वहां पर 1975 दिया हुआ है खजुराहो नृत्य समारोह। हमारी पुस्तकों में 1976 लिखा रहता है, ये आपका रिस्क है, आप किसके साथ जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट वेबसाइट का प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में गवर्नमेंट वेबसाइट की लिंक दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये समारोह, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, और मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है, खजुराहो नृत्य समारोह। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको कि खजुराहो को पुरातात्विक स्थल के रूप में शामिल किया गया था सबसे पहले मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि खजुराहो को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, और वहीं पर होता है ये खजुराहो नृत्य समारोह, जिसमें कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, भरतनाट्यम, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम जैसे अनेक शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन किया जाता है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है तानसेन समारोह की। तानसेन समारोह इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार तानसेन समारोह जो फरवरी में आयोजित हुआ, ग्वालियर के अंदर आयोजित होता है, वहां पर तानसेन समारोह, मतलब तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। और ये कहाँ पे की गई? तानसेन समारोह में फरवरी के अंदर ग्वालियर में की गई। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखना है, तानसेन समारोह कहाँ होगा? ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, तानसेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्वालियर से। आइए अगली बात कर अगली बात करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। ध्यान रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म तो त्रिपुरा में हुआ था, पर उनका जो जीवन है, अगर हम कहें कर्म भूमि है, वो मैयर में रही, वहां मैयर बैंड की स्थापना भी की इन्होंने। और इसलिए ध्यान रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, मैयर के अंदर। आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी दे देता हूँ, पंडित रविशंकर का कुछ दिनों पहले निधन हुआ, उनकी पहली पत्नी हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा, अन्नपूर्णा देवी। और अन्नपूर्णा देवी उस्ताद अलाउद्दीन खां की बेटी हैं, और अन्नपूर्णा देवी का वास्तविक नाम है रोशन आरा खां। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, और ध्यान रखिएगा, पंडित रविशंकर से विवाह किया। और उनके गुरु कौन थे पंडित रविशंकर के? ध्यान रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। वहीं पर उन एक दूसरे से प्यार हुआ, और ये शादी के रूप में परिणित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है? मैयर में होता है। और पंडित रविशंकर जी की जो धर्म पत्नी है, उनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी या रोशन आरा खां। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है मालवा उत्सव की। मालवा उत्सव 1991 में स्टार्ट हुआ, अभी 25, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 25
मई से लेकर 31 मई तक इंदौर गौरव उत्सव मनाया जा रहा है और इंदौर गौरव उत्सव का जो श्रृंखला चल रही है उसमें मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मालवा उत्सव के अनेक आयोजन स्थल हैं, जैसे लालबाग पैलेस में मेले का आयोजन सामान्यता यही होता है, अब इसको और आगे बढ़ाया गया है। और श्रेया घोषाल और आपको मैं बता देता हूं मनोज मुनस्सिर 31 मई के दिन कहां पर आ रहे हैं, नेहरू स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी टिकट के माध्यम से आप उस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा मालवा उत्सव मुख्यतः 3 जगह होता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू। अभी जो समय चल रहा है लगभग 4-4 महीने के अंतराल में होता है, अभी इंदौर में हो रहा है मई के महीने में, क्योंकि 31 मई के दिन हम क्या मनाते हैं, इंदौर का स्थापना दिवस और हमारी देवी अहिल्याबाई का जन्म दिवस भी है। अभी मैं देवी अहिल्याबाई के बारे में बहुत डिटेल आपको वीडियो लेके आऊंगा, क्लियर। आइए अगली बात करते हैं, मालवा उत्सव कहाँ होगा, तो ध्यान रखिएगा इंदौर, उज्जैन और मांडू। अगली बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह की, और यह समारोह कहाँ होता है, साजापुर में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कोई पूछे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होगा तो अगर जबलपुर लिखा है तो गलत लिखा है, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह होगा साजापुर के अंदर। अत्यंत महत्वपूर्ण और हमारे साहित्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण शर्मा नवीन, ध्यान रखिएगा यह समारोह कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा साजापुर में। अगली बात, ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे ये पीडीएफ फ्री में पाइए और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, स्पर्धा नाम की करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस हैं, संदर्भ नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आइए अगली बात करते हैं, अगली बात है कला समारोह। कला समारोह कहाँ होगा, भोपाल में आयोजित किया जाएगा, लगभग 20 वर्षों से आयोजित हो रहा है और शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक और रंगमंच, थिएटर और चित्रकला, पेंटिंग और काव्य पाठ होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं, अगला है ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव आपकी पुस्तकों में टीकमगढ़ लिखा रहे तो गलत है, ओरछा उत्सव निवाड़ी में होता है, ध्यान रखिएगा ओरछा में ही होता है बेसिकली, पर जिला निवाड़ी रहता है ये, ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड के कलाकारों का नृत्य गायन एवं वादन आयोजित किया जाता है। पुस्तकों में टीकमगढ़ इसलिए लिखा रहता है क्यों, क्योंकि ओरछा पहले टीकमगढ़ में आता था, पर ध्यान रखिएगा ओरछा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ओरछा उत्सव का आयोजन होता है निवाड़ी के अंदर। आइए अगली बात करते, अगली बात है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होगा, जबलपुर में होगा। एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण लेखिका, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी जैसी रचना करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का समारोह कहाँ आयोजित होगा, ध्यान रखिएगा जबलपुर में। आपकी पुस्तकों में और कुछ लिखा रहे बिल्कुल नहीं मानना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ आपको वही मानना है। अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, प्रमुख संविधान संशोधन लेकर कल मैं आप लोगों से शाम को लाइव रहूंगा, लाइव की अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ईरा इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा ये लोगो है, ये भी आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा आपको कहाँ पे, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन ना कर पाए तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर दें कमेंट बॉक्स में, या आपको जो नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, ये कहाँ आयोजित होगा, इंदौर में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध सितार वादक थे हमारे उस्ताद आमिर खां, इंदौर घराने के प्रवर्तक, तो ध्यान रखिएगा उस्ताद आमिर खां समारोह कहाँ होगा, ध्यान रखिएगा इंदौर के अंदर। अगली बात करते हैं और बात करते हैं लोक रंग समारोह की। लोक रंग समारोह कहाँ होगा, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस से 5 दिनों तक चलता है, भोपाल में आयोजित किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगली बात करते, दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहाँ होगा, भोपाल के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रदर्शन किया जाता है जो प्राचीन एंशिएंट पीरियड से हो और लोग अब उसको भूल रहे हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाता है दुर्लभ वाद विनोद समारोह में। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, अगर आपको कोई होशंगाबाद बताए तो गलत है, ये आयोजित होता है खंडवा में। हालांकि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद बाबाई ग्राम माखन नगर में हुआ है, पर ध्यान रखिएगा कि इनका जो समारोह होता है माखनलाल चतुर्वेदी का वो खंडवा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली बात इंपॉर्टेंट में मुझे लगती है, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह ये कहाँ होता है, साजापुर के अंदर, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
निमाड़ उत्सव कहाँ होगा? तो खंडवा, बड़वानी और खरगोन में होगा। ध्यान रखिएगा, खंडवा, बड़वानी और खरगोन में तीन जगह आयोजित किया जाता है निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव कहाँ कहाँ आयोजित होगा ध्यान रखिएगा, खंडवा, बड़वानी और खरगोन। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि पूरा रिवीजन किया जाए और कुछ नए नए एकेडमीज के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जाए। कालिदास समारोह कहाँ होगा? उज्जैन में होगा। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होगा? खजुराहो में होगा। तानसेन समारोह कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। मालवा उत्सव कहाँ होगा? इंदौर, उज्जैन, मांडू में होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होगा? मैहर में होगा। ये विभिन्न शहर लिखा है पर आपको ये भूल जाना है, आपको ध्यान रखना है कि मैहर के अंदर होगा। आमिर खां समारोह कहाँ होगा? इंदौर के अंदर होगा। ध्रुपद समारोह कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल के अंदर होगा। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में होगा, सबसे पहले बताया था। ओरछा उत्सव ध्यान रखिएगा, टीकमगढ़ नहीं, निवाड़ी में होगा और ओरछा के अंदर होगा। पद्माकर समारोह ये इंपॉर्टेंट है, सागर के अंदर होगा। पद्माकर समारोह कहाँ? सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर के अंदर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा के अंदर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि निमाड़ उत्सव, निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी। निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी। आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहाँ होगा? भोपाल में। ध्यान रखिएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं जो आजकल हम भूल चुके हैं। टेपा समारोह ध्यान रखिएगा, एक तरीके से कॉमेडियन या मूर्खों का समारोह होता है टेपा, ये उज्जैन में होता है। ध्यान रखिएगा, जो मूवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। अगला है लोक रंग समारोह, और ये कहाँ होगा? भोपाल के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा, किशोर कुमार समारोह कहाँ होगा? खंडवा के अंदर। किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ? ध्यान रखिएगा, खंडवा में। इनके भाई अशोक कुमार, इनका भी जन्म कहाँ हुआ? खंडवा में। और मैं आपको बता देता हूँ, अशोक कुमार को भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला किसे? ध्यान रखिएगा, अशोक कुमार को। आप हमारे एक दादा साहब फाल्के पर बना हुआ अवार्ड का वीडियो देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए या वीडियोस के अंदर जाइए, आपको जरूर मिलेगा। अगला है मध्य प्रदेश लोक समारोह, भोपाल के अंदर होगा। मध्य प्रदेश लोक रंग समारोह कहाँ होगा? भोपाल के अंदर। आइए लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह कहाँ होगा? ये इंदौर के अंदर। लता जी पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिए, एक क्वेश्चन जरूर उससे मारेगा। अगली बात है राष्ट्रीय रामलीला समारोह, राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में आयोजित किया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह अभी आपको बताया साजापुर के अंदर होता है। तुलसी समारोह कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है, तुलसी समारोह ध्यान रखिएगा, तुलसी अकेडमी और तुलसी समारोह दोनों चित्रकूट सतना के अंदर हैं। चित्रकूट सतना ध्यान रखिएगा, तुलसी समारोह। अगला है श्री राम प्रकट उत्सव कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, मांडू में, और ये बहुत सारी जगह होता है तो इसको याद भी नहीं करेंगे तो चलेगा। मध्य प्रदेश समारोह स्थापना दिवस वाला, स्थापना दिवस पर ध्यान रखिएगा, ये ऊपर मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली वाला अलग है और ये स्थापना दिवस पर एक भोपाल में भी होता है। जनजातीय फिल्म समारोह कहाँ होगा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? इंदौर के अंदर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं कि कुछ ऐसे आयोजन है जो पर्टिकुलर कोई परिषद करता है या एकेडमी करती है, तो वो ध्यान दीजिएगा। पहला है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, साहित्य कला एकेडमी जो है 1954 में एस्टेब्लिश हुई है भोपाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहित्य कला एकेडमी ये कब हुई? 1954 भोपाल में आयोजित हुई। केशव कुमार जयंती समारोह, केशव समारोह कहाँ होता है? ओरछा के अंदर, ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ होता है? जबलपुर के अंदर। पद्माकर समारोह सागर, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह साजापुर, ये तीनों कौन आयोजित करता है? साहित्य कला परिषद। ये पांच के पांच समारोह साहित्य कला परिषद, क्यों? क्योंकि जितने नाम लिए मैंने सब साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, साहित्य कला परिषद द्वारा केशव कुमार जयंती समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, पद्माकर समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह और बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह आयोजित किया जाता है। आइए अगली बात करते। अगली बात यह है कि कला परिषद, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जरा ध्यान से 1952। अब इसमें क्या क्या आयोजित होगा? खजुराहो समारोह, मालवा उत्सव, ग्वालियर उत्सव, नाट्य उत्सव और मध्य प्रदेश संगीत समारोह और पूर्वाग्रह तथा कला वार्ता का प्रकाशन, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? कला परिषद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, खजुराहो नृत्य समारोह अकेले सिर्फ कला परिषद के द्वारा नहीं, इसमें संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों का सहयोग रहता है और आदिवासी लोक कला परिषद का भी सहयोग रहता है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कौन कौन से आयोजन करती है, ये इंपॉर्टेंट है।
अलाउद्दीन खां समारोह तो आयोजित होगा, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भी अलाउद्दीन खां एकेडमी आयोजित करती है। और अगला है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, ये भी कहाँ होता है, इंदौर में, और इसको भी अलाउद्दीन खां एकेडमी करती है। और अगला है, ध्यान रखिएगा, कुमार गंधर्व संगीत समारोह, ये कहाँ होता है, देवास के अंदर, और ये भी कौन आयोजित करता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी आयोजित करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा समारोह है जो उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी आयोजित नहीं करती। तो अलाउद्दीन खां एकेडमी, दुर्लभ वाद विनोद, आमिर खां, गंधर्व समारोह, ये जितने संगीत से जुड़े लोग हैं उन्हें संगीत की कोई एकेडमी आयोजित करेगी, ऐसा करके आप इसको याद कर सकते हैं। और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड कर लें हमारा इरा इंस्टीट्यूट का। थैंक यू वेरी मच।